बिक्री पाई मिलिला अनुमति राति 8 रु 10 पर्यंत फुटी पारिब बाण श्रीमंदिर और दक्षिणकाली पीठ से लागू हेब 144 धारा दीपावली रे फुटिबो बाण केवल ग्रीन क्रैकर बिक्री पाई अनुमति प्रदान करिसेंती हाईकोर्ट सरकार बाण फुटाइबा नै प्रतिबंधक लगाइथिबा बेले हाईकोर्ट रे एने एक अभियोग दाखल करा जायथिला। ऑल ओडिशा फायर वर्क डीलर्स एसोसिएशन पक्षरु करा जायथिबा आवेदन उपरे सुनानी करी आवेदन को मंजूरी प्रदान करिसेंती हाईकोर्ट केवल राति 8 रु 10 पर्यंत बाण फुटि पारिबो तेबे पीईएसओ अनुमति प्राप्त बाण फुटाइबा को अनुमति प्रदान करा जायछि। कोविड समय रे कटकणा को अनुपालन करिबा एवं वायुमंडल प्रदूषित हेतुबारु एहा उपरे प्रतिबंधक जारी करथिले राज्य सरकार। तेबे जदिबा हाईकोर्ट बाण फुटा को अनुमति देइछंती तेबे जे कोनोसी बाण फुटाइ पारिबे नाही लोके बजारे केवल ग्रीन क्रैकर बिक्री हेबा दायित्व राज्य सरकार को निर्देश देइछंती हाईकोर्ट तेबे आदेश उल्लंघन हेले पदक्षेप नहीं पारे स्थानीय पुलिस। सेपटे पवित्र दीपावली और पया श्राद्ध अवसर श्रीमंदिर में साधारण दर्शन बंद रहा श्रीमंदिर चतुर्पार्श्वर 144 धारा जारी करा जिवो। परंपरा अनुयायी दीपावली दिन भक्त मैंने बड़बड़िया डाकवाई श्रीमंदिर सिंहद्वार सम्मुखें एकत्रित कावड़िया काठ जाली था तेणु कोविड कटकणा जो एभली निष्पत्ति सेहिबळी आसंता 4 और 5 तारीख में काली पूजा अवसर में वीर गोविंदपुर स्थित दक्षिणकाली पीठ से जारी हेब 144 धारा करोना कटकणा को दृष्टि रखी उपजिलापाल भवतारण साहू को अध्यक्षता में दक्षिणकाली मंदिर परिसर में बैठक अनुष्ठित हो जाइतिला। एहि बैठक में निष्पत्ति मात्र विगत वर्ष भली विधि मुताबक नीतिकांति पालन हेब बोली जनापड़ी। कटकणा अवधि समय रे केवल स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति विशेष मानंकु प्रवेश पाई अनुमति दिया जायछि। एहाकु पालन करबाकु जिला प्रशासन पक्षरु दिया जायछि परामर्श। ब्युरो रिपोर्ट राइजिंग ओडिसा।